अगर आप भी चाहते हो कि कियानू रीव्स मार्वल को ज्वाइन कर ले और एक अच्छे से कैरेक्टर को प्ले करे, तो आज मैं आपके सामने एक लीक लेकर आया हूं जो कि शायद बिल्कुल ट्रू हो सकता है, क्योंकि ये जो लीक आया है एक ऐसे सोर्स से आया जो कभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री में रॉन्ग हो ही नहीं पाया। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। एक चीज जो मैं कि आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो लीक होने वाला है ये शायद ट्रू हो सकता है डॉक्टर चेंज Into the Multiverse of Madness के लिए। तो अगर आप spoil नहीं होना चाहते हैं and you know you want to avoid all the spoilers, तो ये video आपके लिए नहीं है। You can watch my some other videos। I button पे click करके you can watch many videos। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से leak के बारे में बात करते हैं and see कि क्या होने वाला है Marvel Cinematic Universe के अंदर। अगर हम इस लीक की माने तो हमारे पास एक ऐसी खबर आने वाली है जो कि Keanu Reeves और Marvel Cinematic Universe और उनके फैंस के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। वो ये है कि डॉक्टर चेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो विलन होने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया था नाइटमेयर होने वाला है, वो कोई और प्ले नहीं करेगा, वो प्ले करेंगे हमारे Keanu Reeves, विच इज अमेजिंग अमेजिंग न्यूज। हमें पता है कि Keanu Reeves के बहुत सारे फैन हैं और उनकी जॉन विक की जो फ्रेंचाइजी है दैट इज समथिंग एल्स, और हमें पता है कि उन्होंने मैट्रिक्स मूवी के अंदर भी बहुत ही अच्छा काम किया है, और Keanu Reeves एक ऐसे एक्टर रह चुके हैं जिन्होंने अपने जॉनर में कुछ भी नहीं छोड़ा है, और अभी तक हमने उनको जितने भी रोल में देखा है वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, वो किसी नेगेटिव रोल में काम नहीं किया है उन्होंने अभी तक। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक खास बात हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स कुछ ऐसे चुनते हैं जो कि रिप्लेस नहीं किए जा सकते, और यहां पर डॉक्टर चेंज के पार्ट टू के अंदर Keanu Reeves को कास्ट किया जा रहा है एज नाइटमेयर, यानी जो टिचेस विलन है जो कि लोगों की ड्रीम से कब्जा करके उनको टॉर्चर करता है, ये जो विलन होने वाला है ये प्ले करेंगे Keanu Reeves। मैंने आपको डॉक्टर चेंज 2 की जो स्टोरी बताई थी लीक थोड़े दिनों पहले, अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नाइटमेयर्स करंट विच के माइंड पर यानी ब्रेन पर काबू करके सारे के सारा केओस मचाएगा और मैडनेस को फैलाएगा पूरे पूरे मल्टीवर्स में। मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरे के पूरे इवेंट के दौरान में स्कारलेट विच को ऐसा लगेगा कि वो जो कर रही है वो सब कुछ सही है, लेकिन उसके ऊपर जो कंट्रोल होने वाला है वो होगा किसी और का नहीं, वो होगा नाइटमेयर का। और अब ये लीक के हिसाब से नाइटमेयर जो प्ले करने वाले हैं ही इज गोइंग टू बी Keanu Reeves। अगर आप उनको रोल में इमेजिन करें नाइटमेयर के, सो इट लुक्स अमेजिंग, क्योंकि नाइटमेयर के भी थोड़े बड़े बाल हैं, ही लुक्स गुड इन दिस। तो मेरे ख्याल से ये जो लीक आया है Keanu Reeves को लेकर के वो प्ले करना चाहते हैं, आई थिंक उनको प्ले करना ही चाहिए जो कि नाइटमेयर होने वाला है एक बड़ा विलन। और हमें पता है डॉक्टर चेंज 2 मल्टीवर्स को खोलने वाली है, पॉसिबिलिटीज को खोलने वाली है, जो कि फ्यूचर के अंदर बहुत सारी मूवीज की हमें शुरुआत देखने को उस मूवी के अंदर देखने को मिल सकती है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि स्कारलेट विच इस मूवी के अंदर सेकेंडरी विलेन की तरह काम करेगी, क्योंकि नाइट में स्कारलेट विच के सपनों में आकर उसको टॉर्चर करेगा और उसको दिखाएगा किस तरह से वो क्विक सिल्वर और विजन को जिंदा कर सकती है, जो कि एक तुरंत लीक के अंदर भी बताया गया था, वो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं। उस लीक में ये बताया गया था कि किस तरह से नाइट में स्कारलेट विच के दिमाग पर कब्जा करके दो ऐसे कैरेक्टर जो कि मर चुके हैं यानी कि विजन और क्विक सिल्वर, उनको जिंदा करने के लिए बोलेगा, और साथ ही साथ स्कारलेट विच के दिमाग पर ऐसा काबू कर लेगा जिससे स्कारलेट विच पागल हो जाएगी और अपनी न्यू रियलिटी की शक्तियों से एक रियलिटी खोलकर वहां से लेकर आएगी विजन और क्विक सिल्वर को, जो कि मचाएगा केओस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में। इस केओस को फिक्स करने के लिए डॉक्टर चेंज सामने आएगा और पूरी की पूरी मूवी के अंदर जो मेन हीरो होने वाला है वो होने वाला डॉक्टर चेंज। लेकिन इसके एंड में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल को सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अगर Keanu Reeves को एज अ हीरो कास्ट करना है या एज अ विलन कास्ट करना है, उनको एक ऐसा कास्ट देना चाहिए, उनको मेरे हिसाब से एक ऐसा रोल देना चाहिए जो कि फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा बार हमें देखने को मिल सके। मैं नहीं चाहता कि उनको वन ऑफ विलन बना के मार के छोड़ दिया जाए, आई डोंट वांट इट, बट मेरे ख्याल से फ्यूचर के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर Keanu Reeves को लेकर बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर। तो कैसी लगी ये न्यूज, क्या आप देखना चाहते हैं Keanu Reeves को एज नाइटमेयर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल मैं बोलना। अगर आपने मेरी डॉक्टर चेंज से रिलेटेड अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूंगा आपको एंड स्क्रीन में भी दिख जाएंगे और यहाँ पे आई बटन में भी दिख जाएंगे, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।